तमाम विरोधों और बयानों के बीच आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा किया बल्कि आरएसएस के मंच से भाषण भी दिया। इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने परोक्ष रूप से आरएसएस को असल राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रीयता एक भाषा और एक धर्म की नहीं है। वहीं दादा के भाषण से कांग्रेस काफी गदगद नजर आई। पार्टी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने बीजेपी और संघ को आईना दिखाया है, तो आरएसएस के मन से क्या बोले पूर्व राष्ट्रपति दिखाते हैं आपको। देश को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आरएसएस को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हीं के मन से उन्हीं के सामने सच्चे राष्ट्र की परिभाषा बताई। नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के वार्षिक समारोह में बोलते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सहिष्णुता, एकता और विविधता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां लोगों के भीतर डर नहीं हो और सब एकजुट होकर देश की तरक्की के लिए काम करें। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारे संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। हमारी प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति ने भी हमें एक सूत्र में बंधे रहने की शिक्षा दी है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाया और कहा था कि राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं होना चाहिए। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू ने भी सबको मिलकर साथ रहने और आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के राष्ट्रवाद में वैश्विकता की भावना है। हमने दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। हमारे राष्ट्रवाद में पूरी दुनिया के सुख की कामना की गई है। भारत हमेशा एक खुली सोच का समाज रहा है और इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथ और हमारी संस्कृति में है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि 5000 साल से कोई हमारी एकता को नहीं तोड़ पाया। अपने भाषण में प्रणब मुखर्जी ने इशारों इशारों में आरएसएस की उस सोच पर कटाक्ष किया जिसमें हिंदुत्व को ही राष्ट्रवाद बताया गया है। प्रणब ने साफ कहा कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान हैं। अगर कोई भेदभाव करता है तो देश की एकता को कमजोर कर रहा है। वहीं मुखर्जी का ये भाषण जैसे ही सामने आया, विरोध कर रही कांग्रेस के तेवर भी नरम पड़ गए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने संघ के मुख्यालय जाकर उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दादा ने संघ को उन्हीं के मन से भारत की गौरवशाली परंपराओं का पाठ पढ़ाया है। उम्मीद है कि अब संघ को असल राष्ट्रवाद की परिभाषा मिल चुकी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।